मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। जरा भी नहीं सोचा इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मोंटी से मिलने यूं ही चली आई। क्या जरूरत थी मुझे अच्छा बनने की? अपनी अच्छाई की वजह से आज तक वैसे ही इतनी तकलीफ उठाई है मैंने, लेकिन उतना काफी नहीं है मेरे लिए। अब माँ से क्या कहूंगी? उन्होंने पहले ही मुझे समझाया था कि मोंटी निवेदिता की ही साइड है, लेकिन मेरे सर पर इसे बुराई से बचाने का भूत सवार हो गया था। लेकिन अब मोंटी, वो पहले वाला मोंटी रहा ही नहीं। मुझे भी सोचना चाहिए था। रवि का भाई है, दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, क्या करूँ अब अगर मोंटी सच में निवेदिता को सब कुछ बता दे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी इस गलती की वजह से मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। निवेदिता को सब कुछ पता चल जाएगा कि ब्रिज वाले हादसे में उसे फंसाने का प्लान मेरा था, लेकिन इतना कुछ बोल दिया है मैंने निवेदिता के खिलाफ मोंटी से, पर मोंटी वो तो मेरी एक एक बात निवेदिता तक पहुंचाएगा। हम श्योर अबाउट दैट। मुझे निवेदिता मैम को बताना होगा कि अंबिका आई थी मुझसे मिले यहाँ पर, और वो एग्जैक्टली क्या कह रही थी मुझसे। वो तो शॉक्ड हो जाएगी सुनकर। काश मैम अकेले आई होती यहाँ पर, लेकिन रवि भाई भी इनके साथ है, और रवि भाई के दिल में तो सॉफ्ट कॉर्नर है अंबिका के लिए। इसके सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे मैम से अकेले में बात करनी होगी। मोंटी, थैंक गॉड मैम। तुम चिंता मत करो मोंटी, हमारी बिल आज ही हो जाएगी। मोंटी तू ठीक है ना? आई एम श्योर तुझे काफी तकलीफ हुई होगी रात पर यहाँ पर, बट तू चिंता मत करो बड़ी, हम लोग तुझे जेल से आज बाहर निकलवाएंगे। yeah, बस भाई प्लीज, ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं कि तुझे मेरी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तेरे मन में कौन सी बात चल रही है। तू तो ये सोचकर बड़ा खुश हो रहा है ना कि मैं जेल में बंद हूँ, सच होता? देख मोंटी, तेरी सोच और तेरी समझ मैं उसको बदल नहीं सकता। बड़ा भाई हूँ और बड़े भाई होने के नाते मेरा जो फर्ज बनता है पूरा करूँगा। तुझे मैं हमेशा अपने सगे से बढ़कर माना है। तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद तू अपनी दुश्मनी निभाना, कोई बात नहीं, लेकिन इस वक्त मैं वो सब करूँगा जो बड़े भाई को करना चाहिए। प्लीज मोंटी, ये झगड़ा करने का कोई वक्त नहीं। इस वक्त हमें सिर्फ तुम्हारी रिलीज पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इनफैक्ट मैं पुलिस इंस्पेक्टर से जाकर पूछती हूँ कि फॉर्मेलिटी कहाँ तक पहुँची। मैम हाँ, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, अभी इसी वक्त। हाँ बोलो। मैं इनके सामने वो बात नहीं कर सकता। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मोंटी? तुम रवि के सामने कुछ भी कह सकते हो। मैं कह रहा हूँ ना कि जो बात है वो मैं आप दोनों बात कीजिए, मैं बाहर जाता हूँ। मैम सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ी देर पहले क्या हुआ, मुझे लगा कि आप आई हैं, लेकिन मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो हेलो। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं नहीं बात कर सकती, मैं बहुत बिजी हूँ, डोंट कॉल मी। मैम सुनिए ना प्लीज, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मुझे मुझे लगा कि आप इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम। हाँ चलिए। मैम प्लीज, मुझे अकेले में 2 मिनट दे दीजिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैम प्लीज, मैं जानती हूँ तुम्हारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, पर इस वक्त उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्पेक्टर साहब से मिलना। प्लीज होल्ड ऑन। मैम प्लीज, आप समझ में नहीं आता कि कौन मेरा सच्चा साथ दे रहा है यहाँ पर, अंबिका, रवि या फिर मिस लूथरा, किसको अपना असली वैल्यूएशन समझूं मैं? देखिए आप एक काबिल ऑफिसर हैं, इसलिए ये काम मैंने आपको दिया है। निवेदिता लूथरा की कंपनी के खिलाफ सारे नेगेटिव रिपोर्ट छप जाने चाहिए और ये काम अगले 15 मिनट में हो जाना चाहिए। मैडम जी, आपको मुझे 1 मिनट और भी देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपका काम 1 घंटे पहले ही कर दिया है। वो धमाकेदार खबर सारे आफ्टरनून न्यूज़पेपर्स में छप चुकी है। Really? That's really good news. मैंने एडवांस में आपको अच्छी रकम दी है, अगर इस खबर का असर अच्छे से हुआ तो आपको दुगनी रकम दूंगी। थैंक यू। आप बिल्कुल चिंता मत करें मैडम जी, असर तो आपकी उम्मीद से भी ज्यादा होगा। चलिए ठीक है, फिर शाम को कॉल कीजिएगा। बाय। किससे बात कर रही थी आप? प्रेस रिपोर्टर, नेगेटिव रिपोर्ट्स, किस चीज़ की रिपोर्ट्स? पहले तुम बताओ कि तुम कहाँ से आई और ये भीग कैसे गई तो? हाँ
ये लो। तुमने बताया नहीं तुम कहाँ गई थी? मैं समझ गई तुम कहाँ गई थी। मॉन्टी को मिलने पुलिस स्टेशन गई थी ना? क्यों बेटा, क्यों मेरे मना करने के बावजूद भी तुम वहां गई? तुम जानती हो ना कि तुम्हारा एक गलत कदम हमारे पूरे प्लान को फेल कर सकता है। हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा बेटा। आई एम श्योर मॉन्टी को तुम पर शक भी हो गया होगा और उसने तुम्हें देविका साबित करने की कोशिश भी की होगी। हम मॉन्टी बस रास्ता भटक गया और वो भी उसकी नादानी है। लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि वो मेरी बहन का पति है। उसने साक्षी का हाथ तब थामा था जब साक्षी बहुत बड़ी मुसीबत में थी, और साक्षी का साथ देकर उसने सिर्फ मेरा नहीं हमारे पूरे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया था। पर मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती हूँ। साक्षी और मोंटी वो लोग हैं जो मुझे और रवि को करीब लाए थे। पता नहीं कितनी कोशिशें की थी दोनों ने। मोंटी से मेरी कभी कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। उसने तो हमेशा देविका का साथ दिया था। मैं जानती हूँ मोंटी रास्ता भटक गया है, गलत का साथ दे रहा है। पैसा चाहता है, ऐशो आराम चाहता है, और इसीलिए निवेदिता का गलत कामों में भी साथ देता है। लेकिन मां मैं ये बात भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो मुझे मारने के लिए निवेदिता का साथ कभी नहीं देता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। मैं अपने मतलब के लिए उसे इस्तेमाल नहीं करूंगी और ना उसे इस्तेमाल होने दूंगी, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। तो तुम क्या चाहती हो बेटा, कि सबके सामने हमारा पर्दाफाश हो जाए? ये मंजूर होगा तुम्हें? कितनी मुश्किल के बाद हमने जाकर निवेदिता का विश्वास जीता है, उस पर छोटे मोटे वार कर पा रहे हैं। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारा ये प्लान फेल हो जाएगा बेटा। तुम जानती हो कि कितना बड़ा रिस्क उठा रही है? माँ प्लीज, मैं जानती हूँ कि मेरा मकसद अपने गुनहगारों से बदला लेना है जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है। किसी निर्दोष को सजा देना नहीं। अगर मैंने ऐसा कुछ भी गलत किया ना, तो मेरा जमीर मुझे जिंदगी भर कोसता रहेगा। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, और शायद फिर मैं कामयाब हो भी जाऊँ अपने मकसद पर, लेकिन मुझे खुशी नहीं होगी। इससे बेटर तो ये है कि मैं अपने मकसद की कुर्बानी दे दूँ। हाँ माँ, अगर मोंटी निर्दोष है तो उसे सजा देना बहुत बड़ी गलती है, और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर मैं अपने मतलब के लिए किसी को यूज करती हूँ तो मुझमें और निवेदिता में फर्क क्या रह जाएगा? तुम सही कह रही हो बेटा। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ कि तुम्हारी बहन की जिंदगी मोंटी से जुड़ी है। अगर मोंटी की लाइफ बर्बाद होगी तो उसका असर तुम्हारी बहन पर भी होगा। लेकिन बेटा, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जज्बात में बहकर अपने लक्ष्य को भूल जाए। मोंटी को बचाने के और भी कई रास्ते हैं। देखो, जल्दबाजी में कोई भी काम मत करना। इंस्पेक्टर, आप बात तो सुनिए सिंह जी। आप बताएंगे हमें प्लीज कि आप बेल क्यों नहीं दे सकते? देखिए मैडम जी, बेल इसलिए नहीं दे सकते कि जिस कंपनी में घपला हुआ उस कंपनी में किसी ना किसी रूप से आप जुड़ी हुई, और वो कंपनी भी तो आपकी सब्सिडियरी कंपनी है ना, तो मालिक तो आप ही हुई। और बिना आपकी जानकारी के ना तो वो फ्रॉड होता, और ना वो पुल गिरता, और ना लोग मारे जाते। इसलिए मैडम, हम कानूनन मोंटी को नहीं छोड़ सकते। अगर मोंटी को छुड़वाना ही है तो आप किसी रसूखदार आदमी की गारंटी बोल लेंगे, मैं छोड़ दूंगा। आप समझिए ना हमारी प्रॉब्लम। लूथरा आर्किटेक्ट की मालकिन निवेदिता लूथरा ठग है? क्या बकवास है? ऐसे कैसे कोई झूठी खबर छाप सकता है? What is all this nonsense? This is not true. This is... Miss Luthra, please relax, relax, please. हाँ, बोलिए। निवेदिता जी। आप जी, आप कहाँ हो? आप जल्दी से घर आ जाओ। मुझे लगता है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है आपके ऊपर। खुशी, आपके बैंक से ना कुछ अफसर आए हैं। वो बहुत अकड़ के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं आपसे फौरन मिलना है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ मिस्टर? किसका फोन था? मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, हमें इसी वक्त घर चलना होगा। लेट्स गो रूबी।